यही है। अरे आत्महत्या? अरे हाँ, अरे बाप मर गया ना, मगर तू फिक्र नहीं करना, मैं ना, अरे इतने सारों को मैं पाल रहा हूं, तो तेरे पर रोटी डाल दूंगा। ले ले रोटी ले। धन क्या हुआ? दूसरी चाहिए? ये ले ले। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। मनीषा ताई, शंकर भाव, मैं आपको टेम्पो नहीं दे सकता, मुझे माफ करा। ऐसा नका ना बोलो अप्पा, अगर आप हमें टेम्पो नहीं देंगे तो हमारी सब्जियां, हमारे फल हम मंडी तक कैसे लेके जाएंगे? सब यही सड़ जाएंगे। भारी नुकसान हो जाएगा अप्पा, बर्बाद हो जाएंगे अप्पा हम। जानता हूँ शंकर भाई, क्या कर सकता हूँ, मेरे दोनों ड्राइवर कोरोना से 14 दिन के क्वारंटाइन में भर्ती है, अब कौन चलाएगा टेम्पो? चल मनीषा, अपना नसीब खराब आए। नसीब और किस्मत इंसान खुद बनाता है शंकर। अप्पा, तू तेरा टेम्पो मेरे को देगा? तू क्या करेगी टेम्पो? मैं चला कर लेके जाएगी मुंबई। तू मजाक क्यों कर रही है? अरे नहीं, मला ये चलवायला, और मेरे पास लाइसेंस भी है अप्पा, मेरे बाबा ने मुझे टेम्पो ट्रैक्टर सब चलाना सिखाया है। मैं अपनी सब्जियां लेके जाएगी, तू बोल देगा? देख तुझे ताई बोलता हूँ, तेरा ही टेम्पो है, लेके जा। शंकर भाऊ, तुमच्या भाई को ले भवानी है भवानी। ये अब इसे क्या हो गया? अभी क्या करें? फिलहाल तो किसी की मदद लेकर हाईवे तक पहुंच जाते, किसी मैकेनिक को बुलवाकर ठीक करवा लेंगे। चलो चलो। दो सेकेंड ना। धीरे धीरे, गाड़ी आई, गाड़ी खड़ी, गाड़ी खड़ी। ए भाव 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 भाव, वो हमारा टेम्पो खराब हो गया है, आगे हाईवे तक छोड़ देंगे। बैठ जाओ। चल चल चल। मनीषा तू ठीक है? अंजलि, ये अंजलि, आहो आहो बघा ना, अंजलीला बहुत एक ताप आला है। काय बोलते? देखो ना, इसका अंग गरम लग रहा है, एक बार देखो ना, इसका अंग तो बहुत गरम है, है ना? चल डॉक्टर के पास जाना। चलो चल। अरे रुको साहब, हमें अंदर जाने दीजिए, हमारे बच्चे की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर से मिलने दीजिए। आप लोग वेट कीजिए, साहब मैं यहीं रुकता हूं। साहब प्लीज, आप वेट कीजिए प्लीज। साहब 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 प्लीज, डॉक्टर साहब, मेरी बच्चे की हालत बहुत खराब है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप बच्चे को यहाँ लेटाइए, मैं देखता हूँ बेंच पे। जी
I'm sorry. She's dead. Anjali! Anjali, put Anjali! Anjali! Put Anjali! Anjali! Put Anjali! 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 हेलो तुम्हें घाबरू ना, मला माहित आहे की इस वक्त ये सब पूछना सही नहीं है, फिर भी आप हमें बताइए कि आपने किसी का चेहरा देखा था? उन्होंने मास्क पहन रखा था। और आप गाड़ी के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो कुछ स्टिकर जैसा था गाड़ी के पीछे, वो आंख जैसे जैसे कुछ झांक रहा हो, ठीक से याद नहीं आ रहा। गाड़ी का रंग तो याद होगा। हाँ, सफेद रंग की गाड़ी थी, पर नंबर नहीं देख पाया। ले, ऐसे कैसे पकड़ेंगे उनको? बोटेड फोन है, उसे संभाल लेते। जी सर, जी। देखिए, इनका मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। तुम्हें काजी करो ना, हम ही लेडी कांस्टेबल इनके साथ जाएगी। संजय बोला, मैंने अपने फोन में आपके बचपन की डीपी लगाई है। क्यों? कितने क्यूट दिख रहे हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला बेबी तुम्हारे जैसा दिखे, तुम क्यूट और प्यारा। कोई इम्पॉर्टंट कॉल है? तुझ्यापेक्षा काही इम्पॉर्टंट नाही। आणि आता मी माझ्या बायकोची आणि होणाऱ्या मुलाची सेवा करतो। मीटिंग्स कॅन्सल। हो, आय नो काम महत्वाचं आहे, पण आता लॉकडाऊन आहे की नाही तर तसंही लॉकडाऊन मध्ये बाहेर पडता येणार नाहीये। मित्राकडे तर नाहीच नाही। बरं, एक मला फोन येतो, मला फोन ठेवायला लागेल। अँड नो मीन्स नो, यू आर नॉट गोइंग। हॅलो, जी जी, हम पोहोचते। बरं मॅम, चलो। नाशिक मुंबई हायवे पे एक लाश मिली। काफी बुरी हालत है बॉडी की, किसी ने शायद बड़े पत्थर से वार किया है। बाग मारे जरा आजू बाजू बगा, कैसा पड़ता है का? मैम सभी कड़े बगा नहीं बोल। मैम इसकी तो गर्दन भी मुड़ी हुई है। बरवे ये वार इसीलिए किया गया ताकि बॉडी की शिनाख्त ना हो सके। मैम ये देखिए, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था मैम। है ताबत गया और फॉरेंसिक को भेज दो। अच्छा, बॉडी के जेब में कुछ आइडेंटिटी कार्ड या फिर कागज मिले? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन एक गाड़ी पार्क है मैडम। बगा जरा। यस मैम। बागमारे, ये यहाँ से कोई अपना आदमी गुजरा था? नहीं मैम, कोई नहीं गया था। ये बारिश की वजह से यहाँ की मिट्टी गीली हो गई है और ये गीली मिट्टी पर सारे निशान पड़ चुके हैं। मैम, मैम ये फोन मिला, फोन तो लॉक्ड है लेकिन नोटिफिकेशन से पता चल रहा है 23 मिस कॉल। उठा। कौन बोल रहा है? मैं गौतम पवार, पॉलिटिशियन संजय मंगर का पीए हूँ। पेशे साहब से मेरी बात हुई थी संजय साहब के फोन से, और इन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। और ये बाहर जो भीड़ लगी हो? ये मैडम सब संजय साहब के सपोर्टर्स। ये लॉकडाउन में भीड़ जमा करने की जरूरत क्या थी? मैडम, इन लोगों को मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जितने भी लोग बाहर खड़े हैं ना, ये सब संजय साहब को देवता की तरह पूछते हैं। बाहर जरा सांगा सगळ्यांना, लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग पालना फर्ज है हमारा। आणि थोडं शांतपणे सांगा, प्रकरण नाजूक आहे। यस सर। शिरके, त्या वस्तू दाखवा त्यांना। ये चीजें पहचानते हैं?
जी मैडम, ये तो सब संजय साहब के ही। ये संजय मानकर कब से मिसिंग है? परेशान से। संजय मानकर की फैमिली के बारे में बताइए कुछ। संजय साहब के छोटे भाई हैं, वो पढ़ाई के लिए लंदन में हैं। और संजय साहब अपने प्रेग्नेंट वाइफ के साथ यहाँ कसारा वाले घर में रहते हैं। वही उनका इलाका भी है और वो वहाँ के बहुत मशहूर नेता। तो फिर उनके दुश्मन भी काफी होंगे। हाँ मैडम, वो जो नेता है ना बाला जोशी, वो उनसे बहुत खुन्नस रखता है। खुन्नस? अरे साहब, मी का खुन्नस तू त्याच्यावर? ये जो ये सब लोग है ना, वही खुन्नस रखते थे इसके ऊपर। क्योंकि ये संजय मानकर जो है नेता की खाल में भेड़िया था, क्रिमिनल था। आपने तो देखा ही होगा, जब से ये संजय मानकर चुन के आया है, आपके करप्शन रेट में, क्राइम रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई। इसलिए जब भी ये मुझे खबर पता चली, मुझे हैरानी नहीं हुई। वो क्यों? बाप का घड़ा इतना भर गया कि फूटना ही था। जिस रात संजय मानकर की मौत हुई, आप कहाँ थे? और कहाँ रहूंगा, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे ही था। ये डॉक्टर साहब, कहिए आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? ऑफिसर, ऐसा लगता है कि इसके गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है और एक ही बार में इसका गर्दन कटकर झुक गया है। इसका मतलब है मौत वार करने के बाद ही हो गई थी और बाद में सर पत्थर से कुछ लगा है। जी ऐसा ही हुआ। गौतम, तुम कुछ राज की बात बता रहे थे, बोलो। मैडम, राज के बाद जानते तो सभी, बस कोई बोलना नहीं चाहता। पता है संजय साहब जब 15 साल के थे ना, तब उनके बाबा जगन्नाथ साहब की चप्पल मरम्मत करने की दुकान थी बाजार में। उन दिनों हमारे गांव में जात पात की राजनीति अपने पूरे जोरों पर थी। एक नेता होते थे विश्वनाथ जोशी, अपने बाला जोशी के पिताजी। उन्होंने हमारे लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ। सरकारी नियम होने के बावजूद भी हमारे लोगों को ये ऋण समिति और सहकारी बैंकों से अपने खेती के लिए लोन मिलना मुश्किल हो गया था। बस इसी बात की शिकायत जगन्नाथ साहब ने जिला परिषद में की। माफ करना भाव, मुझे परवाह नहीं है कोई अंजाम की, ना तो शिकायत वापस करने की गुंजाइश। और हाँ, मेहरबानी करके हमारे अवकाश की बात न करें। विश्वनाथ जोशी ने संजय साहब के पिताजी की सरेआम बेइज्जती की, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। फिर संजय साहब ने अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए बाला जोशी के पिताजी को मार डाला। बस उसके बाद संजय साहब 3 साल रिमांड होम में रहे। जब वो वापस आए तो हमारे लोगों ने उन्हें अपना लीडर बना दिया और वो हमारे रॉबिनहुड बन गए। बस वहीं से जोशी खानदान के पतन की शुरुआत हुई। ठाकुर, मानकर के इसकी फाइल आना। देखिए, हम आपकी हालत समझ सकते हैं, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके पति संजय मानकर जी को किसने मारा। ठाकुर, किसी को शक? सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इतने अच्छे इंसान को कोई कैसे मार सकता है। थैंक यू। सो मिस्टर गौतम, संजय मानकर का कोई फ्रेंड सर्कल या फिर करीबी दोस्त जिनके यहाँ वो अकेले जाना पसंद करते थे? उनके दो करीबी दोस्त थे, जिग्नेश आडवाणी और प्रफुल्ल राणा। संजय मानकर के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई और उस शाम आप कहाँ थे जब उनका कत्ल हुआ? मैडम, हम उस रात भाभी के लिए आइसक्रीम लेने गए थे, फिर उसके बाद संजय अपने घर चला गया और मैं अपने घर। आज सुबह हम मिलने ही वाले थे। क्यों? मैडम, हमारा वो एक दोस्त है प्रफुल्ल, उसे अचानक क्वारंटाइन सेंटर जाना पड़ा, वो कोविड-19 सस्पेक्ट था। आपको शक है किसी पर? जी बिल्कुल है, बल्कि शक नहीं यकीन है। बाला जोशी नाम का एक आदमी है, उसके अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। उसके और संजय के बीच में दुश्मनी थी। अंजलि, ये बस
मी तुझ्यासाठी काय बनवले खाएगी ना? तू काय करतेस मनीषा? खाली तू काय करतेस मनीषा? अरे शंकर, मैंने ये अंजलि के लिए बनाया है। वो अगर आज हमारे साथ होती तो पहली बार कुछ खाती, उसका अन्न प्राशन होता। ये ले, मैं खिला देती उसको। नहीं सुनना, सुनना। खाएगी ना? वो नहीं है रे, ती गेली, चली गई। हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। सर आप चिंता मत कीजिए सर, पक्का पक्का सर, 100%। जी जी सर। सर हाँ बाग बड़े बोला सर, मनीषा का जहाँ पे रेप हुआ था वो सारा एरिया छान मारा, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई आई विटनेस। कुछ मिलेगा भी नहीं, कोई दम नहीं उस केस में। सर हमें उस गाड़ी को ढूंढना चाहिए जिस गाड़ी के बारे में शंकर ने हमें बताया था। अरे तुम बूढ़े हो गए हो बूढ़े, कल को वो स्टिकर मैं अपनी गाड़ी पे चिपका दूंगा, तुम तो मेरे पे केस बना दोगे। पंच साहब जाओ, चाय के लिए बोलो। मैम बाला जोशी के पास कत्ल करने का स्ट्रांग मोटिव है मुझे ऐसा लगता है। वैसे मैंने पूछताछ की तो पता चला कि लॉकडाउन की वजह से वो घर पे ही था, घर से बाहर वो कहीं निकला ही नहीं। उसके कॉल रिकॉर्ड भी मैंने चेक किए, कुछ भी सस्पिशियस नहीं निकला। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो बात कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद हमसे कुछ छिपा रहा है। और ये संजय, उसने कॉल रिकॉर्ड से मिला है कुछ? मैम संजय मानकर के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। जिस शाम उसका कत्ल हुआ उसे कुछ ही देर पहले उसने एक पर्टिकुलर नंबर से दो बार फोन किया था, लेकिन वो नंबर उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं था। मैंने खुद ट्राई किया, वो फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। बर्वे पता करो ये नंबर कहाँ से खरीदा है। जाहिर है इसी क्राइम के लिए ये नंबर खरीदा गया है। और ये बाला जोशी पे कड़ी नजर रखो, खबरियों को एक्टिवेट करो। राइट मैम। मैम एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। बाला जोशी ने हमसे झूठ कहा था कि वो लॉकडाउन के दौरान घर पे ही था। तो फिर ये जाता कहाँ है? अपने खास दोस्त सुदामा गांव पर रहता, दोनों मिलकर जम के रात को पार्टी करते हैं। सुना है सुदामा के घर पे दारू का बड़ा स्टॉक है। क्या उन दोनों ने उस रात भी पार्टी की थी जिस रात संजय मानकर का कत्ल हुआ था? जी मैम। या सुदामा गांव पर लगे उन्हें जरा। बीपी तो नॉर्मल है, बट आर यू श्योर आप इन्हें घर ले जाना चाहते हो? डोंट वरी डॉक्टर, मैं और मेरी बहन मॉम का अच्छे से ख्याल रखेंगे। गॉड ब्लेस यू माय सन। चलो बैठ। कैसा फील कर रहे हो मॉम? अरे तेरे रहते तो मैं हमेशा अच्छा फील करती हूँ, तू कितना ख्याल रखता है मेरा। और जिंदगी भर रखूंगा। अरे वाह, जिंदगी भर क्यों? मुझे क्या अपनी बहू से सेवा नहीं करवानी है? मैं कुछ नहीं जानती, बस अब तू शादी कर ले, समझा? हाँ माँ कर लूंगा, पर पहले छोटी की शादी होगी फिर मेरी, बाकी बातें घर चल के करते हैं आराम से। चलो तू ना समझेगा नहीं। ये दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह कब से हो गया? दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह नहीं, लेकिन पुलिस से झूठ बोलना गुनाह जरूर है, और यही गुनाह बाला जोशी ने किया है। अब तू हमें बताएगा कि बाला जोशी ने हमसे झूठ क्यों कहा था, और तुम दोनों पार्टी करने के चक्कर में क्या प्लानिंग करते रहते हो? कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे साहब, हम तो सिर्फ दारू पीते हैं। पार्टी ना हम भी करते हैं, लेकिन हम ना पार्टी डंडों से करते हैं। सब तो तू सोचते रहे, हम अपनी पार्टी शुरू करते हैं। बाला इस संजय मांगकर को मरवाना चाहता था साहब, उसके लिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट किलर प्रकाश मानसेकर को सुपारी भी दी थी साहब। वो संजय मानकर बहुत खतरनाक और शातिर है,
उसे भनक भी लग गई या वो बच गया तो हमें वो सीधा नर्क भेज देगा। इसलिए काम बहुत सावधानी से करना। वो मेरा मोबाइल यूज करता था साहब, और ताकि उसके ऊपर कोई शक ना हो सर। इसने नहीं मिला। मैम, बाला जोशी फरार हो गया। उसका पूरा घर छान मारा हमने, लेकिन इधर कोई नहीं है। चाचा फोन ट्रैक करा। सबसे पूछताछ करो, उसके रिश्तेदार जानने पहचानने वाले सबसे पूछो। उसका इस तरह भाग जाना जाहिर करता है कि उसका संजय मानकर के कत्ल में हाथ है। होल्ड करा एक मिनट। हेलो, व्हाट जी, हम अभी पहुंचते हैं। बर्वे, हाईवे पे एक लाश मिली है, तुम्हें डायरेक्ट उधर पहुंचना। ये अडवाणी है। गर्दन भी उसी तरह मुड़ी हुई है और शायद वार भी किसी पत्थर से ही किया गया है। एक बात और मैडम, ये क्राइम स्पॉट भी पिछले क्राइम स्पॉट से ज्यादा दूर नहीं है। बर्वे, ये पैरों के निशान देखो, ये उसी तरह के पैरों के निशान है जो पिछले क्राइम स्पॉट पे थे। बर्वे, ये प्रकाश मानचेकर और बाला जोशी दोनों को लेकर आओ। प्रकाश और बाला दोनों मुझे चाहिए किसी भी हालत में। यस मैम। मैम, मैंने हर जगह पूछताछ कर लिया। प्रकाश मानचेकर उसी दिन से गायब है जिस दिन संजय मानकर का कत्ल हुआ, और बाला जोशी का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। ये दोनों को आसमान खा गया, धरती निगल गई। बाला जोशी के घर वालों पर तो हमने नजर रखी थी, प्रकाश मानचेकर के घर पे कौन कौन है? उसकी वाइफ है मैम, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है। इसका मतलब है वो अपनी वाइफ से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश तो जरूर करेगा। वैसे उसके घर पे हमारी नजर है और वाइफ के फोन को भी हमने सर्वेलेंस पे डाल रखा है। आपको लगता है मैम कि दोनों केसेस में प्रकाश इन्वॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इन दोनों को मारने की जरूर कुछ खास वजह है, उन्हें दुश्मनी है क्या? मैम, बाला जोशी वाले एंगल पे तो मैंने खबरियों को काम पे लगा दिया है, लेकिन मुझे अलग ही डिस्प्यूट के बारे में पता चला। कौन सा डिस्प्यूट? जिग्नेश अडवाणी का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट कम होटल है, उसी की जमीन पे जिग्नेश का किसी घनश्याम पुरोहित नाम के बहुत बड़े बिल्डर के साथ पिछले कुछ सालों से डिस्प्यूट चल रहा है। बर्वे, ये जिग्नेश अडवाणी के डिस्प्यूट के बारे में उसके घर वालों से पता लगाना चाहिए। यस मैम, लेट्स गो। क्या आप हमें जिग्नेश और पुरोहित के डिस्प्यूट के बारे में बता सकती हैं? क्या बताऊं मैडम, बाहर आ जल्दी। कहाँ कर बेटा, कहाँ छुप के बैठा है, जल्दी बोल। वो घर पे नहीं है, क्या काम है? उसे बोल दे, उस ढाबे की जमीन अगर उसने मेरे हवाले नहीं की तो तू और तेरा परिवार साथ में ऊपर जाएगा। वो मेरे पति की आखिरी निशानी है। हम मर भी जाएंगे लेकिन वो जमीन नहीं देंगे। ये बात चलो ठीक है, हमने एक काम करते, तुम जिंदा ही रहो और जिंदगी भर इस बात का मलाल मनाती रहो कि तूने मेरी बात नहीं मानी। देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। देख, आज तेरी बेटी को कुछ नहीं किया है। हाँ, लेकिन कल कर भी सकते, और समझा देना तेरे बेटे को। चलो रे। वहां वो पुरोहित, क्या हुआ? ये उस पुरोहित ने किया। मैडम, मुझे पता था कि मेरी फैमिली को उस जिग्नेश अडवाणी ने मारा था। लेकिन ये बात मैं दुर्भाग्य से कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। तो तू कैसे बच गया? वो मैडम, मुझे दूध से एलर्जी है ना, तो मैंने दूध नहीं पिया और मैं बच गया। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि तेरे फैमिली को जिग्नेश नहीं मारा है? हाँ, मैंने ही मारा है तेरी फैमिली, लेकिन अफसोस ये सब जानकर भी तू कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाएगा। और हाँ, एक बात और कान खोल के सुन ले, हमारी जमीन के बारे में एक बार और सोचा ना तो तुझे भी तेरी फैमिली के पास पहुंचा दूं। बस उसके बाद मैंने उस जमीन को भुला दिया और वो प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया। इतनी जल्दी हार मान गया? अगर तेरे खिलाफ मुझे एक भी सबूत मिला तो मैं तेरी ऐसी हालत करूंगी कि अफसोस करने के लायक भी नहीं रहेगा तू। और एक बात याद रख, प्राइम सस्पेक्ट है तू हमारा। घन
घनश्याम पुरोहित के बारे में कुछ पता चला? यस मैम, मैंने घनश्याम पुरोहित का बैकग्राउंड अच्छे से चेक किया। टिपिकल बिजनेसमैन है वो, धंधा छोड़ के उसको और कुछ समझ में नहीं आता। उसके कॉल रिकॉर्ड भी मैंने चेक किया और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन में भी उसके खिलाफ कुछ सामने नहीं आया। अरे जिग्नेश को किसने मारा होगा? इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक फैक्ट है कि जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन प्रकाश का फोन लोकेशन क्राइम स्पॉट के नजदीक था, लेकिन फिर वो गायब है। उसका फोन भी ऑफ है और जिसने उसकी सुपारी दी थी वो भी गायब है, बाला जोशी। और उसके पास तो मोटिव भी था। जिग्नेश से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ संजय मानकर को मारने का दिया था, तो ये जिग्नेश को किसने मारा? और मारने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, वही पैरों के निशान, सब कुछ उन्हीं दो लोगों के निशान। राइट, पर चलो मान लेते हैं कि एक प्रकाश है, तो दूसरा कौन है? नहीं, ये घनश्याम पुरोहित को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, उसने भी अपने पूरी फैमिली को खोया है। इतनी आसानी में तो चुप नहीं बैठेगा। और तुमने भी तो कहा था कि वो पक्का बिजनेसमैन है, तो हो सकता है उसने पूरे सोच समझ के साथ इन हत्याओं को अंजाम दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी के थ्रू ये सब करवाया हो। संजय को मारने के बाद प्रकाश को ही जिग्नेश की सुपारी दी है। और हाँ, ये जिग्नेश से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उसकी माँ, स्टाफ, एवरी पॉसिबल पर्सन, सबकी जानकारी निकालो, एक को भी नहीं छोड़ना। मेरे ख्याल से इन दोनों केस से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा सिरा है जो हमारे हाथ जरूर आएगा, जो अब तक हमारे नजर से बाहर है। पुलिस के हाथ कोई भी सिरा नहीं लगा था। जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, पुलिस के सामने एक के बाद एक कई कड़ियां खुल रही थी। पर अब भी पुलिस का सामना एक ऐसी घटना से होने वाला था जो उनकी अब तक की इन्वेस्टिगेशन का रंग रूप ही बदल देगी। मैम, इस केस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीड हाथ लगी है। बाला जोशी की बहन घनश्याम पुरोहित की सेकंड वाइफ है। एक और खास बात पता चली है मैम, गौतम पवार पिछले कुछ महीनों से इस बाला जोशी के कॉन्टेक्ट में था, यहाँ तक के मर्डर्स के बाद भी। और कमाल की बात तो यह है कि उसने कॉल करने के लिए अपने नहीं बल्कि अपने बीवी के फोन का इस्तेमाल किया था ताकि हम उसे ट्रैक न कर सके। इंटरेस्टिंग। बड़े गौतम पवार को उठा। स्ट्रेंज। बड़े, इसका भी सर पत्थर से कुचला गया है, गर्दन भी मुड़ी हुई। और ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही पैरों के निशान। बड़े, एक बात नोटिस की तुमने? ये मिट्टी यहाँ डाली गई है और फिर पैरों के निशान बनाए गए। You're right ma'am, क्योंकि बारिश की वजह से आसपास की मिट्टी तो गीली है, लेकिन ये तो कॉन्क्रीट है। यहाँ पैरों के निशान देख के लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के यहाँ मिट्टी डाली है और फिर पैरों के निशान बनाए हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया जा सके। थैंक यू गो मनीषा, तू कितनी छान जीवन बनाते ताई, प्याद का थैंक यू। ये तो पड़ोसी धर्म है, और आप और आपके पति कोई साधारण काम नहीं कर रहे हैं, आप तो सेवा कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा है आप। इस कोरोना की वजह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी डबल ड्यूटी लगा रखी है। ऐसी मुश्किल घड़ी में तुम हमारे बच्चों को संभाल रही हो, उन्हें खाना खिला रही हो और हमारे लिए भी खाना बना रही हो। खरच ग, मैं तुझे खूब आभारी है। ताई, आम्ही तुमचे आभारी आहोत। चल मी येते, मला ड्यूटी वर जायचं आहे। हो हो, सावकाश जावा। हो मैम, हमने प्लान के मुताबिक प्रकाश की बीवी रेशमा का फोन सर्विस पर रखा था। कल रात को उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया था। हमने पता किया तो पता चला कि वो प्रकाश का ही नंबर है। प्रकाश के लोकेशन के बारे में भी हमें पता चल गया। फिलहाल वो मालेगांव में कहीं रुका हुआ है। मालेगांव पुलिस से बात की तुमने? जी मैम। एक काम करो बर्वे, तुम खुद जाकर उसे अरेस्ट करो। ये केसेस सॉल्व होने के लिए उसका अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। राइट मैम। क्या मांगता है? प्रकाश मंचे का कहां तक भागेगा? करके संजय को मारने की सुपारी मैंने दी, मैं मानता हूं, लेकिन बाकी तुम्हें के बारे में वाकई कुछ नहीं पता। मैंने संजय की सुपारी दी, इसको दी, बता ना आप बोलेगा। हाँ साहब, मैं मानता हूँ साहब कि मैंने भाव से संजय मानकर को मारने के लिए 500,000 की सुपारी ली थी साहब, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा साहब। आज शपथ में सच बोल रहा हूँ। गौतम भाव ने जब बाला भाव को संजय मानकर की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन दी तो मैं वहाँ पहुँचा था साहब, लेकिन पहले से ही संजय को किसी ने मार दिया था साहब।
मैंने संजय की लाश को वहाँ देखा, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मैं ठीक से कुछ देख तो नहीं पाया। अब मैंने नहीं मारा था आप। तो फिर शहर छोड़ के क्यों भागा था? मैडम, मेरे मन में लालच आ गई थी, भाव से मुझको कुछ पैसे और लेने थे, मैं वो लेना चाहता था, इसलिए मैं भी उसी रात को यहाँ से भाग गया था। मैं तू क्यों भागा था? मैं डर गया था। मैं मतलब जब आपने सुदामा को अरेस्ट किया तो मुझे पता चल ही गया था कि एक ना एक दिन आप मुझ तक पहुंच ही जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि संजय की सुपारी मैंने ही की। जिग्नेश अडवाणी के कत्ल के बारे में क्या जानता है? जिग्नेश के कत्ल के बारे में तो कुछ नहीं जानता मैम, मैंने कुछ नहीं किया। पुरोहित तेरा रिश्तेदार है, बहनों ही है ना तेरा? हाँ वो बहनों ही तो है मैम, लेकिन वाकई मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया उसको। गौतम पवार तो तेरा ही जासूस था, फिर उसे क्यों मरवा दिया? मैं उसे क्यों मरवाऊं गौतम को? गौतम तो मेरे लिए काम करता था मैम, मैं क्यों मरूं? आई शपथ मैम, मैं भी कुछ नहीं जानता, मैं तो तभी से मालेगांव में था मैडम, आप चाहे तो वहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं, मैं वही था मैडम, मैं कहीं नहीं गया मैडम, आई शपथ मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। सर, मनीषा रेप के जो सस्पेक्ट हैं उनके स्केचेस रेडी हैं। अरे यार, तुम अभी तक उसी लेवल पे अटके हुए हो, इसीलिए तुम्हें अभी तक प्रमोशन नहीं मिला। तुम एक काम करो, ये फाइल लो, घर जाओ, आराम से केस सॉल्व करो। पंचायत? अरे क्या सर? हाँ सर, जय हिंद सर। हाँ पहुँचते हैं सर। ओके सर, नेताजी की ड्यूटी पे जाना है, इससे मिलता है प्रमोशन, ये तुम्हारे बेकार के रेप कैसे नहीं। चलो गाड़ी के लिए बोलो। अरे गाड़ी के लिए बोलो। गौतम पवार के कॉल रिकॉर्ड आ गए। उस दिन उसने भी एक नंबर पे दो बार बात की थी, जिसके बाद उसका भी कत्ल हो गया। और खास बात तो ये है कि मरने से आधे घंटे पहले ही उसने बात की थी मैम। ये वही नंबर है जो हमें संजय मानकर के कत्ल के समय मिला था, जिसका आज तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। मैंने भी वो नंबर ट्राई की थी मैम, स्विच ऑफ आ रहा है। ये नंबर हमारे लिए बहुत बड़ी लीड हो सकती है बड़े। और किसी नंबर पे कॉन्टैक्ट हुआ इस नंबर से? उस नंबर के अलावा उसने संजय के दोस्त प्रफुल्ल राणे से भी बात की। ये भी हो सकता है कि ये तीन कत्ल के बाद अभी कातिल चौथे कत्ल की फिराक में है। हो तो सकता है मैम, लेकिन कारण समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्यों करेगा? कारण कुछ तो बड़ा है बरगे। नमस्कार मैडम, पीएसए वागमारे बोलते हैं, इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ना कोई एविडेंस मिला और ना ही कोई एविडेंस, लेकिन उन लोगों के स्केचेस हमने बनवाए हैं, पर मैडम उनके चेहरे पर मास्क लगे हुए, और मैं पर्सनली हर पुलिस स्टेशन में फोन करके इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके, आप हमें स्केचेस भेज दीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बर्वे काम करा, ये तीनों दोस्तों का सीडीआर मुझे चाहिए। हो जाएगा मैम, लेकिन कोई खास बात? और ये प्रफुल्ल राणे को कांटेक्ट करो इमीडिएटली। ओके मैम। प्रफुल्ल राणे क्वारंटाइन सेंटर से गायब है, कब से? सर आज शाम को ही मैंने दवा दी थी, उसके बाद मैं कब कहाँ गायब हुआ कुछ पता ही नहीं। मुझे आज पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, अभी इसी वक्त। बर्वे, उस नंबर का पता करो जिस पर फोन किया गया है, और ये भी पता करो कि कौन सी नर्स उस पर ड्यूटी करती। महेंद्र, ये पता करो कि ये प्रफुल्ल की गाड़ी कौन लेके आ सकता है, कोई ड्राइवर या फिर कोई और? मैम,
मैं काल परसों ड्यूटी पर गेलेली नहीं है, वो एक्चुअली मुझे फूड पॉइजन हो गया। घर का खाना खा के फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता, और वैसे भी लॉकडाउन की वजह से सारे होटल्स बंद है। आपने खाना कहाँ से मंगवा लिया था? बाहर उन मंगवा लो ना होता, वो मेरी पड़ोसन है ना मनीषा चौहान, उसने मुझे खाना दिया था और मैंने वही खाया था। उसने आपको खाना क्यों दिया था? सब वो मेरे बच्चों की आजकल बहुत देखभाल करती है और कितना जेवल अपन घालते है, लेकिन मैं मेरा और मेरे पति का खाना घर पे आके बना देती हूँ। वो तो परसों मुझे देर हो गई थी इसलिए मनीषा ने मुझे खाना दिया था। तू ये प्रफुल्ल का ड्राइवर? प्रफुल्ल कहाँ है? आर्मी सर। तू ऐसे नहीं मान। बोल, बोल। सर बताता हूँ सर। बोल। सर वो मैं। समय। प्रफुल्ल का फोन ट्रैक हुआ? यस मैम। उसकी लोकेशन इस वक्त देवलाली के पास में। कल रात में उसने अपने ड्राइवर को फोन भी किया था, जो रात के अंधेरे में क्वारंटीन सेंटर के बाहर प्रफुल्ल की गाड़ी को छोड़ करके चला आया था। उसके ड्राइवर से एक बात और पता चली मैडम, उसने बताया कि प्रफुल्ल का देवलाली में एक फार्म हाउस भी है। मनीषा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं था? मैडम, उन चारों राक्षसों ने मेरा रेप किया और मेरी मासूम बच्ची, मेरी अंजलि की भी जान चली गई। हमने सोचा पुलिस हमारी मदद करेगी। बहुत बार पुलिस के दरवाजे पे खटखटाया मैडम, पर हमें न्याय नहीं मिला। हमारी उम्मीद ने जवाब दे दिया था मैडम, और इसलिए उन चारों राक्षसों को मारने के लिए हमें कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा। तुमने उन्हें पहचाना कैसे? जिस दिन उन राक्षसों में से एक राक्षस हमारी बस्ती में राशन बांटने आया, उस दिन मैं उसे पहचान गई। वो संजय मानकर बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, फिर मैंने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की। हमने पता करने की कोशिश की कि उस रात संजय के साथ और कौन कौन था, फिर हमने एक के बाद एक जिग्नेश और गौतम को मौत के घाट उतार दिया। उसको प्रफुल्ल बच गया, पर हमने तो उसे भी मारने का प्लान बना लिया था। निशा और शंकर, इतना अफसोस हो रहा है तुम्हें देखकर, एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो चुका है। विक्टिम्स क्रिमिनल बन रहे हैं और क्रिमिनल्स विक्टिम। अगर सब लोग इस तरह कानून हाथ में लेने लगे तो समाज का क्या होगा? अरे जानवरों से भी बदतर हो जाएगी जिंदगी हमारी। मैडम, अब माफ कर दीजिए। मैडम, वो बहुत बड़े लोग थे, उनके पास पैसा था, पावर था। हमें लगा कहीं वो इस चीज का इस्तेमाल करके इस केस को दबा ना दे। मैडम, कानून सबके सुनता है मनीषा, और सबके लिए सेम होता है। जरूरत है उस पर विश्वास करने। थोड़ी देर सबर होती लेकिन गुनेगार पकड़े जरूर जाते। वो कोई हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं थे, उन्हें भी अपराध का पछतावा हुआ होगा। निशा,
यार कल रात जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं क्या हो गया था, हम सब राक्षस बन गए थे। हाँ यार हम सब राक्षस बन गए हैं। देख मुझे भी बुरा लग रहा है लेकिन क्या कर, बुरा सपना समझ के भूल जाते। क्या हम कभी इस गेट से बाहर निकल पाएंगे? हर इंसान के अंदर एक राक्षस छिपा हुआ होता है जो हर पल बाहर आना चाहता है, लेकिन हमारी शिक्षा हमारे संस्कारों की मदद से हम बचपन से उस राक्षस को अपने अंदर दबाए रखना सीखते हैं। पर हमारा गुस्सा और बदले की भावना हमारे अंदर दबे हुए राक्षस को बाहर आने के लिए प्रेरित करती है। संजय मानकर, जिग्नेश अडवाणी और प्रफुल्ल राणे ये कोई हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं थे, लेकिन उस रात नशे की हालत में उनके अंदर का राक्षस बाहर आ गया और वो एक घिनौना गुनाह कर बैठे। वैसे ही मनीषा और शंकर के अंदर दबी बदले की भावना ने उनके अंदर के राक्षस को हवा दे दी। ये राक्षस आपको जुर्म के ऐसे रास्ते पर लाकर छोड़ता है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।